नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। बिक्रमगंज रोहतास स्थानीय शहर के अंजबित सिंह महाविद्यालय में छात्राओं द्वारा दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस मनाया गया। महाविद्यालय के प्राचार्य संतोष कुमार सिंह, प्रोफेसर राज बहादुर राय, एनएसएस पदाधिकारी और राजनीति विभाग की अध्यक्ष प्रोफेसर चिंटू, अरुण कुमार सिंह, प्रोफेसर अब्दुल कैश, प्रोफेसर परवेज अहमद, प्रोफेसर फजल अहमद, प्रोफेसर राजेंद्र कुमार मिश्रा ने राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस के उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम के दीप प्रज्वलन के बाद छात्राओं ने समूह गीत भी प्रस्तुत किए। अंजबित सिंह कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संतोष कुमार सिंह अध्यक्ष राष्ट्रीय सेवा योजना की सह सचिव भी हैं। उन्होंने राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस पर कॉलेज के छात्रों को एक विस्तृत जानकारी दी। डॉक्टर संतोष ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि रहा है और अभी 5 बजे तक चलेगा। हमें अभी जनता की माने मत देना है और जनता तय करेगी कि जीत होगा या नहीं होगा, अभी हम कैसे कह सकते हैं, लेकिन जो हम काम किए हैं पंचायत में उसके भरोसा और आशा के साथ कहते हैं कि हमको एक बार मौका जनता यहाँ के देगी। अब की बार का आपका मुद्दा क्या है? अब की बार मुद्दा वही है जो अधूरा काम अगर जनता हमको मौका दे देती है तो जो काम अधूरा पड़ा हुआ है पहले उसको पूरा करेंगे। इसके बाद जो अपना नाम बताइए। मेरा नाम धनजी राम हुआ। पंचायत? पंचायत ग्राम पंचायत गिद्धा दावत रोहतास। क्या नाम हुआ आपका बाबा? लाल जी। कहाँ गांव हुआ? चलता। अच्छा, तो आप वोट दे लिए? हाँ। आप वोट दे करके आ रहे हैं तो आपको यहाँ कैसा महसूस हुआ? कैसा अच्छा व्यवस्था है? कोई दिक्कत है यहाँ पर? अब हमारा सब उछल बछल। अच्छा, चुनाव में कोई दिक्कत नहीं हुआ वोट देने में? ना। चलिए ठीक। आप किस पंचायत के रहने वाली हैं? दावत पंचायत का। आप यहाँ मतदान करने आई थी, आपको यहाँ कोई परेशानी? और यहाँ पर जो भी मतदाता आए हैं उनको किसी प्रकार की आपको परेशानी दिखने में आई है? और यहाँ के व्यवस्थापक जो भी मान लीजिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं या पुलिस प्रशासन है, इन लोगों से किसी प्रकार की चुनाव आपको करने में दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आपने चुनाव कर लिया, मतदान कर लिया? हाँ। आप दिखाइए उंगली, अपना दिखा सकते हैं? सिंह। अच्छा, चलिए नाम बतलाने के लिए धन्यवाद। आप दावत प्रखंड में आए हुए हैं जी, तो आप मतदान करने के लिए यहाँ पर कब से आए हैं? मैं तो यहाँ सुबह से हूँ। सुबह से हैं तो अभी तक क्या कर रहे हैं? अभी तक हम देख रहे थे कि कुछ मतदाता आए थे तो भीड़ थी, वहाँ पर हम बैठे थे, बैठकर देख रहे थे। बाहर बैठे हुए थे। और आपने मतदान किया? अभी मतदान करने जा रहे हैं, जस्ट मतदान करने जा रहे हैं। हाँ, अभी मतदान। और यहाँ आपको आने के बाद मतदान करने में कोई परेशानी सी लग रही है? कोई परेशानी नहीं है, सब बहुत शांति ढंग से यहाँ पर मतदान भी हो रही है, मतदाता भी बहुत शांति ढंग से जा रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। आपको प्रशासन द्वारा क्या सुविधा दी गई है? यहाँ पर प्रशासन द्वारा सबसे अच्छी ये मुझे लगा कि यहाँ की शांति प्रक्रिया प्रशासन द्वारा बना रहा, अभी तक सबसे अच्छा रहा कि प्रशासन का सहयोग रहा और जो पब्लिक आ रहे हैं, जो एक वोटर आ रहे हैं, शांति प्रक्रिया से जा रहे हैं, अपना वोट देकर आ रहे हैं। चलिए धन्यवाद।